नैना चौटाला ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। आज पानीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए नैना चौटाला ने बीजेपी पर सीधा सीधा हमला बोला। सबसे पहले मैं माता और बहनों को कहूंगी कि आप सबको, जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान बच्चे खड़े हैं, सबको पांडु पिंडारा रैली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो आप सबको। हमने कहा था कि हमारा नया झंडा होगा और नया डंडा होगा, नई पार्टी होगी, तो देखो सारा कुछ हो गया। और ऐसे ही मुझे इतना नहीं पता था कि आपने तो सारी जितनी अब जुगलाड़ से जो शुरू की थी ना, हमने हरी चुनरी की चौपाल, उसको करते करते नए झंडे के नीचे जो आज हमारी पहली मांडी गांव में हरी चुनरी की चौपाल जो है, आपने तो सारी चौपाल ही पीछे छोड़ दी, आपने तो हद ही कर दी। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतनी महिलाएं हरी चुनरी की चौपाल में आ सकती हैं क्या। आपने तो जो आगे करेंगे ना, उनके लिए दिनों दिन मुश्किल खड़ी कर दी कि आगे वाले मतलब इससे बड़ी हरी चुनरी की चौपाल क्या करेंगे। मतलब इतनी महिलाएं, मैं तो बहुत खुश हो गया आज आप लोगों से, बहुत ज्यादा। आज यहाँ ऊपर उपस्थित कुमारी फूलवती जी, श्री तेलुराम जोगी जी, जननायक जनता पार्टी की महिला प्रधान प्रदेश की श्रीमती शीला ब्यान जी, और इनको तो मैं इससे भी ज्यादा कहूंगी कि ये हरी चुनरी की चौपाल की जो है वो ये बहुत बड़ा पिलर है, इनका अहम योगदान है इसके अंदर, तो इनके लिए एक बार तालियां बजा दो शीला जी के लिए। तो श्री सुरेश काला जी, शुगन चंद्रोड़ जी, राजेंद्र लितानी भाई साहब जी, इनका भी इस हरी चुनरी की चौपाल में है, शीला जी और ये दोनों एक जितने ही भागीदार है, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। सुरेंद्र धोला जी, श्रीमती पद्मा सिंगला जी, सुरेश जागलान जी, लक्ष्मी जागलान जी, निर्मला वर्मा जी, बबीता दैया जी, मीनाक्षी वालिया जी, गीता पालड़ी जी, संतोष पालड़ी जी, देवेंद्र काद्यान जी, बलवान वाल्मीकि जी, डॉक्टर कपूर नारवाल जी, सुरेंद्र कालखा जी, श्री कृष्ण राठी जी, भाई साहब आपको बधाई हो जींद का अध्यक्ष बनने के लिए, दयानंद उड़लाना जी, मनोज जोरासी जी, जयदेव नोलथा जी, श्री तिलक कोच जी, श्रीमती कृष्णा देवी सरपंच जी, अशोक सरपंच जी, राजकुमार रिढ़ाव जी, चंद्रहंस मलिक जी, जगरूप सरपंच जी, गुरचरण सिंह जी, श्रीमती सरिता मोर जी, अजय सिंह बिंजोला जी, सुरेश भट्टी जी, और जिन मेरी दो बहनों ने गाना गाया है, एक तो उषा जी और एक कमला जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और मंच पर जितनी भी विराजमान महिला नेत्री बैठी हैं, जितनी भी हमारे वरिष्ठ पार्टी की कार्यकर्ता, मेरी महिला सहेलियां बैठी हैं, मैं सबका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और मेरी समदन जी है बिमला काद्यान जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हरी चुनरी का जो हरी चुनरी चौपाल का जो प्रोग्राम है, उसको करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम महिलाओं से रूबरू हो सके, महिलाओं से जुड़ सके। और इसको करते 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 मेरे को लगता है ये हमारी 18वीं आज जो है वो हरी चुनरी की चौपाल है। तो मैं इसमें यही कहूंगी कि बीजेपी को पहले 10 साल जो राज किया वो कांग्रेस ने किया था, और उसके बाद पूरे 4 साल हो गए आज बीजेपी को राज करते करते। और इस बीजेपी के राज में मुझे लगता है इनका एक बहुत बड़ा नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस नारे को देखते हुए ये लगता था पता नहीं ये लोग बेटियों के लिए क्या क्या करके जाएंगे। पर 4 साल के अंदर मेरी आज ये भारी तादाद में आई माताओं और बहनों, आप लोग इस चीज के गवाह हो कि 4 साल के इस दौरान जितनी आबरू हरियाणा में हमारी माता और बहनों की इज्जत लूटी गई है, शायद आज के इतिहास में पहले कभी भी नहीं लूटी गई। कितनी ही लड़कियां आज जब वो कॉलेज जाते हैं तो मुझे लगता है वो सुरक्षित नहीं है। कितनी ही बेटियां
कुछ दरिंदों की भेंट चढ़ गई, जिनका मुझे लगता है न्याय मांगते मांगते शायद माँ और बेटियां घर ही बैठ गई, शायद उन माँ बहनों को कभी न्याय नहीं मिला, थाना तहसील करते करते। पर आज तक 4 साल में कोई इन्होंने 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, कोई इन्होंने 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ा। तो कहते हैं कि बेटी बचाओ, ठीक है बेटियां होनी चाहिए, मैं कहती हूँ धन्य माँ बाप जिनके घर में बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात है बेटी होना, पर उन बेटियों की सुरक्षा भी तो चाहिए ना, अगर हम बेटी करते हैं तो सुरक्षा को छोड़ के, मतलब इन्होंने तो, मुझे ऐसे लगता है कि जो चोई देवीलाल के टाइम में हरियाणा था, उस हरियाणा को आज जब हम इस हरियाणा को देखते हैं तो मुझे लगता है हम लोग कहीं एक टाइम के बाद है ना तरसते ना रह जाए कि वो हरियाणा हमारा कहाँ चला गया, जहाँ बहू बेटियां खुलेआम बिल्कुल सुरक्षित घूमा करती थी। आज तो हम जब गली में खड़े होते हैं ना तो भी हमें डर लगता है कि अगर किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली तो कहीं हमें कोई मार ना दे, कहीं हमें कोई धक्का ना दे दे। तो आज जितनी इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में जितनी असुरक्षित हमारी हरियाणा की बेटियां और बहुआ और माएं हैं, तो मुझे नहीं लगता, हमने तो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया इसका, हमें सबसे पहले जहां असुरक्षित पूरे भारतवर्ष में बिहार माना जाता था ना, आज हम सर्वे रिपोर्ट को उठाकर देखें तो हरियाणा आपराधिक मामलों में सबसे ज्यादा नंबर 1 है हरियाणा। और हम बात शिक्षा की करें तो 4 साल में बीजेपी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारी बेटियां ये कह सके कि इन्होंने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पढ़ाने वाले नारे के पीछे आप अगर हम जाकर देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपके इसराना में कोई नया कॉलेज खुला है क्या, इतनी माता और बहनें आई हुई है, खुला है कहीं भी इन्होंने बेटियों के लिए कोई अच्छे नर्सिंग कॉलेज नहीं खोले, कहीं कोई लघु उद्योग के लिए कोई माता और बहनों के लिए कोई छोटे कारखाने नहीं लगाए, कहीं कोई महिला कॉलेज और महाविद्यालय और स्कूल नहीं खोले जहां हमारी बेटियां सुरक्षित पढ़ सके, जहां उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी हो गेट पर कि यहां से पढ़ने वाले बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। और बात हम रोजगार की करें तो महिलाओं के लिए जो ये पेंशन दादाजी ने लगाई थी ना, जो 100 रुपए पेंशन लगाई थी, वो पेंशन भी इन्होंने आधार कार्ड के साथ माता और बहनों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि उस पेंशन के लिए 2-2 महीने माता और बहने हमारे बुजुर्ग पिता धक्के खाते हुए घूम रहे, कोई कहता आधार कार्ड नहीं है, कोई कहता आपके पास राशन कार्ड नहीं है। तो इन्होंने तो हमारी सिवाय दुर्गति करने की मतलब कुछ नहीं छोड़ा। आज जितनी दुर्गति बीजेपी के राज में गाय की हुई है, क्योंकि हम गाय को भी माई बोलते हैं ना, जितनी दुर्गति गंगा मैया की हुई है, क्योंकि उसको सारा संसार गंगा मैया बोलता है, उसको लोगों ने इतना प्रदूषित कर दिया और इन्होंने इतने बड़े बड़े टेंडर छोड़ के सिवाय पैसा खाने के गंगा के नाम पे जो लोगों को टेंडर दिए, कोई गंगा की सफाई नहीं, तो उस गंगा मैया को भी इन्होंने इतना ही दूषित करके छोड़ दिया। अगर हम बात इस धरा की करें तो हम पृथ्वी को भी माई बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी जिस पे इतनी दुनिया का वजन जो उठाती है, तो उस धरा को भी है ना कहते थे कि स्वच्छ हरियाणा। तो मैं कहती हूँ इनको जाके गांव के वो जोहड़ के पास की वो गंदगी दिखाओ और पूछो बीजेपी वालों से, जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उनको एक बार हाथ पकड़ के जरूर दिखाना, कहना भाई ये स्वच्छ हरियाणा है क्या जब दुनिया जान की गंदगी पड़ी है। तो ये लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए। और मैं माँ शब्द से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद 5वीं से 7वीं तक शायद स्कूलों में एक बच्चों से ना छोटे छोटे ऐसे लिखवाए जाते हैं जैसे टीचर्स का मेरी अध्यापक मेरी माँ और मेरा हरियाणा, ऐसे करके 5वीं और 7वीं तक। मुझे नहीं लगता प्रतिपक्ष के नेता ने कभी माँ के ऊपर ऐसे लिखा होगा क्या, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि माँ से राजनीति सीखने वाले की सोच छोटी होती है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी, आप लोग जितनी भी माता और बहनें होती आई हुई हैं आपके माध्यम से, कि माँ चीज क्या है, माँ 9 महीने जो है ना बच्चे को पेट में रखती है, 9 महीने, और जो 9 महीने माँ कुछ करती है वो सारा असर उस बच्चे के जन्म में आता है हमेशा। और फिर
जब बच्चा रात को रोता है ना तो वो माँ ही उसको दूध पिलाती है, और सारी रात वो माँ जो है ना वो गीले में सोती है और सूखे में उस बच्चे को सुलाती है। और माँ जब बच्चा उंगली पकड़ के चलना सीखता है ना तो वो माँ ही पहला शब्द जो बोलते हैं ना, हर बच्चे की जुबान से माँ शब्द निकलता है। तो मैं उस छोटे भाई जी को बताना चाहती हूँ कि आप है ना पहले माँ का ऐसे पढ़ लो भी माँ की परिभाषा क्या है। माँ संसार में सबसे बड़ी उत्पत्ति का जरिया है। अगर ये माँ नहीं होती ना तो ये जितने भी पुरुष बैठे ना ये इनमें से कोई भी नहीं होता इस धरती पर। तो मैं उनको कहूंगी कि शायद आज इस इसराना गांव हलके के मांडी गांव में जितनी भी मेरी माता और बहनें आई हुई हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि जिन लोगों को माँ की परिभाषा का नहीं पता, जिन लोगों को ये नहीं पता कि माँ से संस्कार जो बच्चे लेते हैं वो गलत संस्कार लेते हैं, ऐसे लोगों को आपके पास वोट का अधिकार है। आप ऐसे लोगों को वोट की चोट से मारना और उनको बताना कि माँ चीज क्या होती है। आप लोग जितनी माताएं और मेरी बहनें हैं हाथ उठा के मुझे बताओ कि ऐसे लोगों को वोट की चोट से ही मारना। और जब आप लोग वोट की चोट से उन लोगों को मारोगे ना तो मने ही अलग है बांगी चोटी में तो दुगनो पसीनो आ जाएगो, और पसीनो तो बांगे आ गयो क्योंकि बे भी आपके ने कोई एक अध्यक्ष ने ले लेके गांव में फिरन लग रहे आजकल, तो भाई जी के तो पूरा पसीनो आ गयो मन दिखन लग गयो अब तो। और मैं बीजेपी सरकार की बात करूं तो जो नोटबंदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है उससे देश को भी कोई फायदा नहीं और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कोई फायदा नहीं, और घाटा किसको हुआ है, ये जो मेरी माता और बहनें आई हुई हैं इन सबको, क्योंकि इनके पास हम जितने पुरुष खड़े हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप लोगों से छुपा छुपा के हम माता और बहनें पैसे रखती थी सूटों के नीचे, और वो पैसे देखो ये क्या महिलाओं का भला करेंगे। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहूंगी कि हमारे देश के उस जुलमी प्रधानमंत्री को तो वो 10 रुपए भी नहीं सुहाई जो हम सूटों के नीचे छुपो के रखे थे, वो भी निकाल लिए उन लोगों ने। तो अब तो अपन माताएं और बहनें हो रही है बिल्कुल ठन ठन गोपाल, अपने पास नहीं बचा कुछ भी, सारा निकलवा लिया इन लोगों ने जो अपने पास बचा हुआ था। और मैं बात नौजवान बच्चों की करूंगी क्योंकि भारी तादाद में पीछे की तरफ नौजवान बच्चे खड़े हैं, मैं कहूंगी कि आप युवा हो और हम चाहते हैं कि हमारे जो आगामी मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, युवा। तो जहां दुष्यंत वहां हम, जहां दुष्यंत तो आप ये संकल्प करके जाओ कि जन नायक जनता पार्टी के हम लोगों ने ज्यादा उत्साहित नहीं होना, कहते हैं ना ज्यादा उत्साहित होके आदमी खराब होते हैं, हम लोगों ने उत्साहित नहीं होना, हम लोगों ने मेहनत करनी है। तो हम लोगों ने जनता जननायक पार्टी का जो संगठन है, जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान बच्चे हैं और ये भारी तादाद में आई हुई माता और बहनें, आज यहाँ से मांडी गांव से प्रण करके जाओ कि हर महिला हर पुरुष और हर नौजवान बच्चा अपने साथ एक बूथ, और वो अभी दिग्विजय ने शायद कोई एक वो निकाला है, एक बूथ 10 यूथ, तो मैं महिलाओं से कहूंगी कि एक बूथ और 10 महिलाएं, आप एक महिला 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, तभी अब अपन वो रामायण वाला राम सेतु बनाने का काम कर पाएंगे। और जिस दिन हमारा राम सेतु बन गया उस राम सेतु से सारे हमारे विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे और हम लोग हमारा युवा मुख्यमंत्री बना के, और आप लोगों को टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ऐसे ऐसे हम आप लोगों को विधायक देंगे जिनसे आप बिल्कुल आधी रात को मिल सकोगे, ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलेगा जिससे ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आज भाई जी का मूड ठीक है कोनी मिल सका कोनी बाऊ, तो बिल्कुल नहीं, खुल के आप मिलोगे, वो आपका बच्चा है दुष्यंत, मेरा बच्चा नहीं है वो आपका है। आधी रात को उसने संसद में 4 साल में साबित करके दिखा दिया कि हिसार की जनता ने, जो लोग हमें कहते हैं कि हमने उनको मुख्यमंत्री वो एमपी बना के भेजा, कोई कहते हैं मैंने एमएलए बना के भेजा,
भैया अगर तुम लोग बनाते तो तुम्हारे मेयर ही ना बना लेते, जो जीरो पे तुम वो क्रिकेट में क्या करते, नॉकआउट हो गए सारे के सारे। तो ये तो बिल्कुल डकआउट वाली बात होगी कि तुम्हारा एक मेयर जीत के नहीं पहुंचा। तो तुम लोग, ये तो जनता जनार्दन का फैसला होता है, जनता जिसको चाहती है वो उसको शिखर पे चढ़ा देती है, और जिन जनता अगर ना चाहे किसी को तो उसको धरातल पे लाने का काम भी जनता करती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करके जाऊंगी कि आप लोग एक एक घर में जाके एक एक महिला से बात करके अपने अड़ोस पड़ोस में और जनता जननायक पार्टी का आप संगठन को मजबूत करो। और अब घर बैठने का समय नहीं है, इलेक्शन कभी भी आ सकते हैं मार्च के बाद में। तो हर महिला, हर पुरुष और नौजवान बच्चे से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ो, और हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनेगा जनता जननायक जनता पार्टी का, उसमें हमारे हरियाणा में जितने भी कारखाने लगाएंगे सरकार आने पर, उन कारखानों में अगर हम 100 आदमी लेंगे तो 75 आदमी उन कारखानों में हरियाणा के लगेंगे। किसानों का सरकारी बैंकों का जो कर्ज होगा वो सरकार बनने पर माफ कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शन देने की शुरुआत, हर किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपये बोनस, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जो होती थी उसकी बहाली की जाएगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा खत्म कर दी जाएगी। बुजुर्ग पुरुषों को 58 साल की उम्र में और महिलाओं को 55 साल की उम्र में पेंशन दी जाएगी। और पेंशन के लिए जो आप लोग अब कभी डाकखाने और कभी कहाँ चक्कर काटते हो ना, ऐसा सिस्टम लागू कर देंगे कि हर महिला के घर में उसकी पेंशन वाला खुद दे के जाया करेगा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आजकल जो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना पेंशन के लिए, कहीं किसी की कह दी भी इसकी उम्र नहीं है कभी किसी, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। निजी स्कूलों की फीस जो है वो सरकारी स्कूलों के बराबर कर दी जाएगी, ताकि हर गरीब का बच्चा अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो हम सरकारी स्कूलों को भी दिल्ली की तर्ज पे बहुत अच्छा कर देंगे। हर ब्लॉक में आधुनिक मोबाइल डिस्पेंसरी होगी, ताकि आपको इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। हर 20 गांव के क्लस्टर पर मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे दिल्ली की तर्ज पर। व्यापारियों के लिए ई वे बिल प्रणाली खत्म और व्यापार आयोग लागू किया जाएगा। 6800 गांवों में आरओ सिस्टम लगेंगे, जहां से पानी की शुद्धता और आपको पीने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गांवों में बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है जिससे कैंसर की बीमारी, खासकर हमारे सिरसा जिले में तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है कई गांव में, जिससे हर घर में कैंसर का रोगी हो रहा है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काम का समय में ज्यादा समय आप लोगों का बिल्कुल नहीं ले। एक बार मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, सबको राम राम।